क्या नाम है आपका? सुनील कुमार साह। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल देखिए, माहौल तो विकास पे ही होता है, जो विकास करेगा उस पे माहौल जाएगा, क्लियर सी बात है। हम काम करेंगे तो हमको वोट मिलेगा, आप काम कीजिएगा तो आपको वोट मिलेगा। ये जातिवादी का भेदभाव को छोड़ते हुए वोट होगा। तो पिछले 5 साल डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस के एमपी रहे, वो विकास नहीं किए क्या? हम लोग तो उसका शकल भी नहीं देखे हैं कि जावेद साहब का चेहरा कैसा है, हाइट में है या शॉर्ट में है या फेट में है, कुछ नहीं जानते हम लोग। एक हमारा सांसद महोदय है, पूछिए कि जिसे पूछ लीजिए कि जावेद साहब को कोई पहचानते हैं यहाँ पे? वो आपके क्षेत्र में कभी नहीं आए? कहाँ, नहीं कोई देखा भी नहीं है, कोई देखा भी नहीं है। देखेगा तो इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा, किसको वोट करेंगे हम? वो तो समय बताएगा, अभी हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। जैसे 3 चेहरा मुख्य रूप से किशनगंज से आ रहा है, किसान लोकसभा क्षेत्र से, जेडीयू से मास्टर मुजाहिद साहब, और कांग्रेस से डॉक्टर जावेद साहब, और AIMIM से अख्तुल ईमान साहब। इन तीनों में से कौन आपके क्षेत्र का विकास कर देगा? देखिए, जावेद साहब तो ऑलरेडी है ही, अभी इससे पूर्व में अख्तुल ईमान भी तो विधायक थे ना, विधायक मेरा क्षेत्र का नहीं थे। हमारा क्षेत्र का नहीं था ना, वो तो कोचा धामन से था। हम लोग तो बहादुरगंज में, बहादुरगंज में तो अभी प्रेजेंट में आपका अंजार नैमी साहब है, तो उसको भी तो फोकस करना चाहिए। कि एक पिछड़ा हुआ प्रखंड टेढ़ा गाछ है, उससे भी पिछड़ा हुआ पंचायत चिलनिया है, कम से कम उसको भी तो एक जाति धर्म को मात देते हुए उसको यहाँ पे काम करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, वोट मकसद नहीं होता है, क्या वोट में लिखा हुआ होता है कि ये हिंदू का वोट है या मुसलमान का वोट है? है नहीं लिखा हुआ है, वोट तो वोट है, चाहे हिंदू का वोट हो चाहे मुस्लिम का वोट हो, उससे हमको बहस नहीं है। लेकिन क्षेत्र उसका है, क्षेत्र उसका है, और आप एक घर का मुखिया है, आपको सबके तरफ नजर डालना होगा कि उसका घर में भी हमको क्या पहुंचाना है, उसका भी घर में क्या पहुंचाना है, वो उसका दायित्व है। हम लोग तो जा नहीं सकते हैं, विधानसभा में तो बोल नहीं सकते हैं कुछ, या सांसद भवन में तो बोल नहीं सकते हैं कुछ, तो आपने मेरी बात सुनिएगा, आपको सुनना पड़ेगा। हम लोग तो वोट दे देते हैं, अपना काम कर देते हैं, लेकिन आप लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं, यही दुर्भाग्य हम लोग का इस क्षेत्र का है। मास्टर मुजाहिद साहब, मास्टर मुजाहिद साहब तो वो भी तो हम लोग का क्षेत्र का नहीं थे, तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं? आ रहे हैं ना, नामांकन कर दिए तो, हाँ नामांकन तो हो गया है, अब इसके बारे में फिर सोचेंगे हम लोग, देखेंगे माहौल, माहौल के अनुसार हम लोग भी काम करेंगे। जब हम लोग जानते हैं कि हम लोग वोट देते हैं तो सक्सेस नहीं हो पाता वोट, तो माहौल के अनुसार हम लोग भी काम करेंगे। और AIMIM से अख्तुल ईमान साहब? नहीं, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं? इसलिए कि वो जातिवाद का राजनीति करने वाला से हम लोग दूर रहना चाहते हैं। बस यानी मुद्दा क्या है वोट वोट देने का? मुद्दा कोई किसी मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? मुद्दा देखिए, मुद्दा हम लोगों का वही, हम लोग को बस विकास करे, चाहे वो जिस पार्टी से, उससे हमको बहस नहीं है, चाहे वो BJP से हो, AIMIM से हो, चाहे RJD से हो या कांग्रेस से हो, हम लोग को विकास से मतलब है। लेकिन हम लोग जब से हम लोग यहाँ पे होश संभाले हैं ना, यहाँ के लिए कोई नहीं देखने वाला है। एक सिंपल सी बात, रोड घाट तो खैर बन ही रहा है, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो उसका काम है बनाना। सिंपल सी बात, एक स्ट्रीट लाइट है ना, होता है ना, आया था ना इस बार सांसद के द्वारा, यहाँ पे ये सुइया हाट में यही जगह है, चिन्हित करके गया था, यही जगह है, जमींदार का पेपर भी लिया गया, लेकिन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सांसद महोदय से, क्यों नहीं लगा, क्या वजह थी? जमीन चिन्हित हो गई थी? नहीं जी सर, यही जगह है, आपको दिखा भी रहा है जगह, तो क्या है ये? हम लोग यहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र में है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। जहाँ दो चार दुकानें हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, देख लीजिए, आपको हम प्रमाण भी देंगे। मटियारी में शायद है कि नहीं है? नहीं है, है आपका दादर चौक में है, कबीर चौक में है, काशीवाड़ी में है ना, टेढ़ा गाछ में है। ये सुइया हाट क्या, ये सुइया हाट आज कल ये राजस्व मार्केट है, ये जितना आजू बाजू में जितना हाथ दिखाई दे रहा है, ये सबका इसका बच्चा है, सुइया हाट का बच्चा है ये सब।
आज इस हाट में इस तरह का व्यवहार ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? शंभु कुमार साहब। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? आपके क्षेत्र की समस्याओं को कौन हल करेगा? हमारे क्षेत्र का समस्या कोई भी हल नहीं कर पाएगा, खाली वादा पे वादा मिल रहा है हम लोग को। आज तक आवेदन दिया गया, विधायक साहब को, सांसद साहब को बोला गया, नदी दिखाया गया, मस्जिद है बगल में, मदरसा है कट रहा है, स्कूल है कट रहा है, लेकिन सांसद वादे पे वादे किए और जाकर आज तक सांसद यहाँ झलक कर अपने द्वारा कोई फंड नहीं दिया गया, आज तक नहीं कोई कार्य किया इस पे। और जाकर हम लोग का जो अभी प्रेजेंट सांसद है जावेद साहब, उसके अंदर दोहरी नीति है, जो कि आज देखिए जहाँ उसका कोम का जगह है वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाया गया, एक सुइया मार्केट है पुराना मार्केट, आज यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं दिया गया, जो कि धाधर चौक दिया गया, टेक्नी घर दिया गया, कबीर चौक दिया गया, मठियारी दिया गया, बैगना दिया गया, जो कि मुस्लिम क्षेत्र है। हिंदू क्षेत्र में तो वह जानकर भी विकास नहीं करेगा कभी। और हम लोग इस बार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करते आया है, वो सांसद हो या विधायक हो, कोई भी हो, अन्यथा सौतेला व्यवहार किया। आज तक वादा पे वादा किया, दो बार सांसद साहब आए पुराना चौक से घूर कर गए कि इस बार टेंडर हो रहा है तो इस बार फलना हो रहा है, इस बार चिलना हो रहा है, आज तक नहीं किया काम, जिस पे भी हम लोग आवेदन भी कई बार दे चुके हैं। मैं विधायक साहब आए थे यहाँ रामतपुर पे, वहाँ पे भी हम लोग आवेदन दिए, मौखिक भी बोले, विधायक साहब को बोले कि आप लोग आइए देखा जाए इस सब समस्या, जो कि मस्जिद है, जो कि आज मुस्लिम टोला है, वहाँ पे आने वाला दिन में बड़ा हो या शादी ब्याह हो समस्या बना हुआ है कि दोनों तरफ फ्लड है, लेकिन आज तक कुछ मुस्लिम टोला में नहीं पुल देने का काम किया, नहीं रोड आना जाना का रास्ता नहीं है, नहीं सुइया नदी में पुल बन रहा है जो कि आपको दो तीन प्रखंड से जोड़ रहा है या जिला मुख्यालय को डायरेक्ट, आज तक इस पे काम नहीं हुआ, खाली वादा पे वादा दिया। सांसद जी आप लोगों से सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोग वोट नहीं करते हैं सांसद जी को या कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं? नहीं, वोट तो दिया जाता है लेकिन वो सौतेला व्यवहार ही कर किया जाता है इस पंचायत से। इस पंचायत से आज तक कोई भी विधायक बना, वो तोसी वालम हो, वो मेरा जावेद साहब हो, सांसद साहब हो, एक बार मौलाना साहब आकर बोले थे पुल के बारे में, वो भी नहीं कर पाए, लेकिन आज तक वो लोग सौतेला व्यवहार कर रहा है। भैया देखिए, विकास के मामला में हम लोग वार्ड नंबर 9 चिलनिया पंचायत पड़ता है हम लोग का, किशनगंज जिला विधानसभा बहादुरगंज। विकास का जहां तक बात है तो विकास के मामला में हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है, इसलिए कि हम लोग का बगल में एक रेतवा नदी है, वो बहुत सब नेता लोग आए वादा किए इस बार हम लोग को जिताइए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, हम लोग जो है इतने बाद आपका जो भी समस्या है विकास का, जो भी कोई भी तरह का परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। तो वैसा कुछ परसेंट जैसे मान लिया जाए, जैसे पुल पुलिया वाला काम तो वैसे ध्वस्त है, ठीक है, मान के चलिए तो बाढ़ में कहीं भी कोई तरह का ध्वस्त हो जाता है, उस वो चीज़ वैसे रह जाता है, उसको आज तक ना कोई जिला से आया देखने के लिए, या फिर ना कोई विधायक आया, ना कोई MP आया, ना कोई MLA आया, ठीक है, आज तक कुछ नहीं हुआ वैसा। विकास के मामला में हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है, हम लोग काफ़ी कोसों दूर, बाढ़ जब आती है हम लोग का नदी में, हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए सामने में हम लोग का उत्तर टोला मुस्लिम टोला है, ठीक है, उन लोग का घर में जो है बाढ़ के समय में मत पूछिए भैया, इतना तबाह हो जाता है, आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उन लोग को, अगर सुइया हाट आना पड़ता है बरसात में तो लोग घूम के आता है, ऐसे टेक्नी घाट होते हुए 4-5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है सुइया हाट कोई सामग्री खरीदने के लिए। तक जितने भी लोग यहाँ आए सब जो है वादा ही किया कि आप विकास की आप लोग मेरे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना, हम लोग आज भी वही रेतवा नदी के प्रकोप में रहते हैं, बरसात में काफी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस से, वो कभी आए, कभी आपके क्षेत्र में भ्रमण किए, ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है, और जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा, अब तक तो नहीं आए हैं कोई नेता यहाँ पे सुइयाहाट में, जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा। JDU से मास्टर मुजाहिद साहब है, NDA गठबंधन से, उसको आप जानते हैं, कभी वो आए आपके क्षेत्र में? अभी तक तो नहीं आए हैं, नहीं मुजाहिद साहब यहाँ कहाँ आए हैं सुइयाहाट, अब तक नहीं आए हैं।